भैया, आज हम कक्षा सप्तमी का तीसरा अध्याय राज्य शासन के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य में शासन व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती है, इसके बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है और उस विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जीत कर आते हैं और फिर वह अपना कार्य जनता के हित के लिए करना शुरू करते हैं। तो जो प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है और उस विधानसभा में शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है, तो हम इस पूरी प्रक्रिया को हमारे राज्य राजस्थान से लेकर और समझने का प्रयास करें। हमारे राजस्थान में कुल 200 प्रतिनिधि चुनाव के लिए जाते हैं। प्रतिनिधि यानी कि हमारे राजस्थान को 200 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, जहाँ से 200 व्यक्ति जनता के बीच में से चुनकर आते हैं, जिन्हें विधानसभा सदस्य के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसको विधायक करते हैं और अंग्रेजी में इन्हें MLA के नाम से जानते हैं। MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA का ये फुल फॉर्म होता है, साधारण प्रयास इसको विधायक के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक विधानसभा में SC और ST के लिए सीटें आरक्षित होती है। उन सीटों से केवल उन्हीं के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। SC की सीट से SC का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, ST की सीट से ST का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। ये हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है ताकि प्रत्येक वर्ग को सरकार के कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर मिले। फिर इन 200 मेंबरों से जो जीत कर गए हैं, इनमें से बहुमत दल कौन सा है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती है। जैसे हमारे राजस्थान में मुख्य रूप से भाजपा चुनाव लड़ती है, कांग्रेस चुनाव लड़ती है, बसपा चुनाव लड़ती है और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। तो जिनको टिकट मिल जाता है पार्टी का, यानी कि पार्टी अपनी ओर से कहती है कि हमारे क्षेत्र का या हमारी पार्टी का उम्मीदवार है, इसे हम चुनाव चिन्ह देते हैं, ऑथराइज घोषणा करते हैं, वह चुनाव लड़ता है। फिर जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है, बहुमत किसको कहते हैं, जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा, तो इनकी 1/2+1 यह बहुमत कहलाता है। तो 100 की 1/2 कितनी हो गई, 200 की 1/2 हो गई 100+1 यानी कि 101। यानी कि राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 विधायकों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में आधे से एक ज्यादा वह सरकार बनाता है। फिर ये सारे व्यक्ति मिलकर अपना नेता चुनते हैं। सारे व्यक्ति मिलकर यानी बहुमत दल के सारे विधायक मिलकर अपना नेता चुनते हैं, वह उस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री ये अपना नेता चुनते हैं, वह उस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, बस इनका काम यहाँ तक है। फिर मुख्यमंत्री अपने विवेक से बाकी मंत्रियों का चयन करता है, अपने दल में से या उसको जिसने साथ दिया है उनमें से जो अच्छे व्यक्ति लगते हैं, उसे काम करने लायक व्यक्ति लगते हैं, अच्छी योग्यता वाले व्यक्ति लगते हैं, अनुभवी व्यक्ति लगते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वह मंत्री का चुनाव करते हैं, मंत्री बनाता है। मुख्यमंत्री को या उस राज्य को कुल विधानसभा की 15% सदस्यों को मंत्री बनाने का अधिकार होता है। अधिकतम 15% व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो जैसे हमारे राजस्थान में 200 प्रतिनिधि हैं, तो 200 का 15% कितना हो गया, 30 MLA, यानी कि 30 MLA मंत्री बनाए जा सकते हैं राजस्थान में। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है कि चाहे संसद हो चाहे विधायिका हो, दोनों में 15% व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन होता है।
राज्य का सारा शासन राज्यपाल के नाम से चलता है, इसलिए सात मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, यानी शपथ राज्यपाल दिलवाता है उसके नाम से होता है। फिर मुख्यमंत्री प्रत्येक मंत्री को विभागों का बंटवारा करता है कि आपको शिक्षा विभाग देखना है, आपको चिकित्सा विभाग देखना है, आपको रोड विभाग देखना है, ऐसे सारे विभागों का अंगों के आधार पर वह बंटवारा करता है। जिन विभागों को ज्यादा उपयुक्त मानता है तो अपने पास भी रख सकता है। इस प्रकार से विभागों का चयन होता है। तो ये तो गया एक प्रकार से सरकार का। अब विधानसभा में सारे विधायक एक साथ अपने अपने क्षेत्रों की मांग रखते हैं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। प्रत्येक सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य की समीक्षा विधानसभा में की जाती है। कोई प्रस्ताव यदि सरकार लेकर आती है तो उस पर चर्चा होती है, ध्वस होते हैं, विपक्ष और पक्ष के दोनों सदस्य अपने अपने तर्क रखते हैं, आखिर में मतदान होता है। यदि विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के आधे से एक ज्यादा पक्ष में वोट आ जाता है तो वह प्रस्ताव मान लिया जाता है, अन्यथा वह खारिज हो जाता है। तो इस प्रकार से विधानसभा में प्रत्येक विधायक को अपने अपने क्षेत्र के विकास, अपने अपने क्षेत्र के लोगों की, अपने अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को रखने का पूरा पूरा अधिकार है। संबंधित मंत्री तक वह आवाज पहुंचाई जाती है, समय के अनुसार मंत्री उस पर जवाब देता है, सारी कार्यवाही लिखित और रिकॉर्डिंग के रूप में होती है। तो इस प्रकार से काम किया जाता है। विधायक या विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है। यदि सरकार बीच में विश्वास खो देती है तो मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं या नेता भी बदला जा सकता है। ये एक ही विधायकों के पास विकल्प होता है। इस प्रकार से जनता अपने जो नेता चुनती है वह विधानसभा में जाकर अपने क्षेत्र की आवाज रखते हैं, अपने क्षेत्र की जानकारी रखते हैं, लगातार फील्ड के संपर्क में रहते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित समय अंतराल के बाद में जनता के हाथ में विकल्प होता है कि उन्हें बदला जा सकता है और वापस रिपीट भी किया जा सकता है। ये पूरा अधिकार जनता के हाथ में होता है। विधानसभा में जनता से जुड़े हुए सारे फैसले और सारे तर्क वितर्क किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये राज्य विधानसभा सरकार बनना और राज्य विधानसभा की कार्यवाही के बारे में मैंने आज आपको समझाया। जय हिंद।